हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज हम फिर से लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा पार्ट 3। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतर्ग्रहण। ये आपका राइट आंसर होगा। छात्रों को नवीन ज्ञान सिखाने हेतु सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए? छात्रों के स्तर का ज्ञान करना चाहिए। शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध, शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। शिक्षण अधिगम दोनों के प्रयोग से प्रभावी शिक्षा का विकास होता है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है, उपयुक्त सभी। ये आपका राइट आंसर होगा। वैध मूल्यांकन के लिए शिक्षक के द्वारा बच्चों में क्या परिवर्तन करना होगा? वैध मूल्यांकन के लिए स्मृति के द्वारा तत्वों के ज्ञान के बदले चिंतन द्वारा अनुप्रयुक्त ज्ञान का परीक्षण। ये आपका राइट आंसर है। मूल्यांकन को शिक्षाविदों की भाषा में क्या नाम दिया गया है? मापन एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? यहाँ पर शस्त्र परीक्षा उचित उपकरण नहीं है, बाकी प्रश्नोत्तरी और खेल दत्तकार मौखिक प्रश्न आपके रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण है। रचनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त वस्तु वाले प्रश्न। सीसी में अंकों के स्थान पर श्रेणी प्रदान करने से क्या तात्पर्य है? ग्रेड के द्वारा एक ग्रुप में स्थित करना जो बच्चे में सामुदायिक भाव को उत्पन्न करता है। ये आपका राइट आंसर है। अनपढ़ लोगों के सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में अंक लिखने के लिए, बच्चे की जो शिक्षण प्रक्रिया वह कितनी प्रभावी है जानने के लिए, बच्चे का स्थानांतरण देने के लिए, बच्चे की रुचि जानने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बच्चे की जो शिक्षा प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है उसको जानने के लिए। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन पद्धति के द्वारा। चारों फॉर्मेटिव मूल्यांकन कितने अधिभार को प्रदर्शित करते हैं? 40% को। छात्रों के नियमित आंतरिक मूल्यांकन से छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा। सीसी में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था है? 4 की व्यवस्था है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ये आपकी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ये छात्र में समग्र विकास में सहायक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? यहाँ पर आपकी गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? सामान्य बुद्धि है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? युंग ने किया है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र का भूमिका होती है। अच्छा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है किसका? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा।
व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण परिकल्पना एस के लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य है यहाँ पर? वैज्ञानिक पद्धति लक्ष्य है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है क्या है? छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित जिसे कह सकते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की। इसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, अल्फ्रेड बिने ने। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशक्रम और वातावरण का। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत पर संबंधित है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, वाइगोत्स्की। सामाजिक संचरण में जहां भी सामाजिक वर्ड आए, शब्द आए, वहां पर वाइगोत्स्की से रिलेटेड रहेगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? हरलॉक ने दिया है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, हरलॉक ने कहा है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेशमर ने। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है कौन सा? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? सुपर ईगो को। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है कौन है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं कितने? 23। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, सभी विकल्प सही है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन इसका है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रहने के लिए अवसर देते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं, किससे होते हैं? विकास की दर से। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था के समय में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन किसका है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? कि आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में करने लगता है। अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? 11 से 16 वर्ष में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वतिक है के विकास का अर्थ क्या है? अंगीकरण। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? वह किशोरावस्था में है। जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है
विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक। वह कथन जो व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है क्या है? व्यक्ति विशेष व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। एक यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है क्या? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वस्थ शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार सम्मिलित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या हो सकता है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही क्या? स्वायत्तता। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है पर घातज तनाव का उदाहरण नहीं है? आजकल बच्चों की गलत धारणाओं व वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जा सकता है? पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच कौनों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डेस्क का डेस्क जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। हेलो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा, और कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट्स वगैरह है या कि क्वेश्चन गलत हो सकता है तो जरूर है जो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।